मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के दो दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1,32,00,000 लाडली बहनों को एक वीडियो जारी कर खुशी दी है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों के खाते में 10 दिसंबर को पैसे आने जा रहे हैं। साथ ही आगे कहा कि बहनों ने जो आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम दिया है वो अद्भुत है। इस अभूतपूर्ण समर्थन के लिए बहनों का आभारी हूँ। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। बहन भाई के पवित्र रिश्ते एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराते हैं, और आपके भाई की सदैव ये कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना रहे, कोई कांटा ना रहे, महिला सशक्तिकरण के लिए। जब तक मेरी सास चलेगी, मैं काम करता रहूंगा। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है, लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी। और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इसको 3,000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। धन्यवाद। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नेहरू नगर नया बसेरा पहुंचे, जहां वो लाडली बहनों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और सीएम ने बहनों के आग्रह के बाद उनके साथ खाना भी खाया। बता दें कि बीजेपी की वापसी में सबसे अहम रोल लाडली बहना योजना ने निभाया है। इस योजना ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक किस्मत बदल कर रख दी है। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं को 1,250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।